गुड मॉर्निंग क्लास। सो आज का जो हमारा लेक्चर है डेटा इज डेटा डिस्कवरी। लास्ट क्लास में हमने हडूप को देखा था, तो जो आज के कंटेंट होंगे आपके, सबसे पहले मैं आपको बाय डेफिनेशन डेटा डिस्कवरी होता क्या है वो बताऊंगी। आफ्टर डैट उसकी कैटेगरीज के बारे में हम पढ़ेंगे, जो है डेटा प्रिपरेशन, विजुअल एनालिसिस, गाइडेड एडवांस एनालिसिस, और लास्ट में हम इसके देखेंगे डेटा डिस्कवरी टूल्स को। तो सबसे पहले हम बाय डेफिनेशन समझते हैं कि बेसिकली डेटा डिस्कवरी होता क्या है। सो बेसिकली डेटा डिस्कवरी इन्वॉल्व्स द कलेक्शन एंड इवेल्यूएशन ऑफ डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। मीन्स वॉट, जो डेटा डिस्कवरी है इसमें जो आपके पास कलेक्टेड डेटा आया है बहुत सारे सोर्सेस में, हम डेटा, बिग डेटा एनालिटिक्स हमने पढ़ा, हमने डेटा एनालिटिक्स पढ़ा, तो बेसिकली इसमें हमेशा से हमारे पास बहुत सारा डेटा आ रहा है, तो वो पूरा का पूरा कलेक्शन जो हमें हमारे पास डेटा का आया है उसका इवेल्यूएशन करना, और इवेल्यूएशन क्यों करना, ताकि हम फाइंड आउट कर सके डेटा का ट्रेंड और पैटर्न। सो ये अभी हमारे लेक्चर का कंटेंट होगा। अब मैं आपसे पीपीटी शेयर कर रही हूँ। सो बेसिकली आज की जो हमारी क्लास है डेटा फॉर डेटा डिस्कवरी इन डेटा एनालिटिक्स। सो आज जो हमारे कंटेंट होंगे आज के लेक्चर के, वो होंगे सबसे पहले हम डेटा डिस्कवरी की डेफिनेशन पढ़ेंगे। आफ्टर डेट हम उसकी कैटेगरीज को पढ़ेंगे। जो कैटेगरीज हैं वो हैं डेटा प्रिपरेशन, विजुअल एनालिसिस, गाइडेड एडवांस एनालिसिस। इसके बाद हम देखेंगे डेटा डिस्कवरी टूल्स को। सो इट्स अ डेफिनेशन ऑफ डेटा डिस्कवरी। सो बेसिकली डेटा डिस्कवरी में इन्वॉल्वमेंट होता है, कलेक्शन और इवेल्यूएशन होता है डेटा का, जो कि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से हमें मिला है। और डेटा डिस्कवरी का यूज़ क्या है, ताकि हम फाइंड आउट कर सकें जो भी डेटा हमारे पास आया है उसके ट्रेंड्स और पैटर्न को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आखिर जो डेटा डिस्कवरी है वो है क्या। तो डेटा डिस्कवरी एक टूल नहीं है, ये एक बिजनेस यूज़र सॉरी यूज़र ओरिएंटेड प्रोसेस है, जो यूज़ होती है किसके लिए, ताकि डिटेक्ट कर सके पैटर्न और आउटलेयर्स को। और ये कैसे फाइंड आउट किया जाता है, जो नेविगेटिंग यूजली नेविगेटिंग डेटा होता है, या फिर उनके ऊपर अप्लाई करके गाइडेड एडवांस्ड एनालिटिक्स। जो डिस्कवरी है ये इटरेटिव प्रोसेस है, जो सपोर्ट नहीं करती किसी भी तरह के एक्सटेंसिव अपफ्रंट मॉडल क्रिएशन को। इसके लिए हमने क्लस्टर किया है तीन कैटेगरीज में डेटा डिस्कवरी को। फर्स्ट इज डेटा प्रिपरेशन, सेकेंड इज विजुअल एनालिसिस, थर्ड इज गाइडेड एडवांस्ड एनालिटिक्स। अब आती है बारी डेटा डिस्कवरी टूल्स की। सो बेसिकली डेटा डिस्कवरी टूल्स को समझने के लिए सबसे पहले हमें सॉफ्टवेयर को समझना होगा। सो जो डेटा डिस्कवरी सॉफ्टवेयर होते हैं वो ऐसे टूल होते हैं जो हेल्प करते हैं डेटा को कलेक्ट करने के लिए, उसके बाद वो कंबाइन करते हैं उस डेटा को डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से। आफ्टर डैट वो आइडेंटिफाई करते हैं पैटर्न्स और ट्रेंड्स को। जो डेटा डिस्कवरी टूल है वो प्राइमरी अवेलेबल हैं एज अ पार्ट ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन। अगर हम अभी मॉडर्न अप्रोच की बात करें तो डेटा प्रिपरेशन की नीड हमारी तब बढ़ी है जब हम बिजनेस प्रोसेस करने के लिए डिजिटलाइजेशन को यूज करने लगे। मतलब हमारी कंट्री आफ्टर कोविड पूरी तरह से नहीं बोलेंगे, बहुत हद तक 80-70% डिपेंड हो गई है इंटरनेट पे। और हम जब कुछ भी इंटरनेट पे करते हैं, चाहे वो सिंपल सा वेबसाइट विजिट हो, या फिर हम उससे वेबसाइट से शॉपिंग करते हैं, या फिर हम अपना इमेज को शेयर करते हैं, या इंस्टाग्राम पे रील बनाते हैं, तो इसी के साथ हम जनरेट कर देते हैं बहुत सारा डेटा। और जो डेटा एनालिस्ट होते हैं वो इसी इंसाइट्स को यूज़ करके अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए एनालिसिस करते हैं। अभी के टाइम पे जो डेटा प्रिपरेशन है उसे एक की तरह माना जाता है, जिसमें एबिलिटी होती है डेटा को इफिशेंटली यूज़ करने के लिए। जो डेटा डिफरेंट मैनर्स में डिफरेंट फॉर्म में आया है उसको ऑप्टिमाइज़ करते हैं बिजनेस प्रोसेस करने के लिए, इसे इनेबल करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस पैटर्न्स एंड ट्रेंड। इनेबल कर किया जाता है न्यू इनोवेटिव बिजनेस मॉडल को। इसके बाद जो आता है वो आता है इकोनॉमी। सो अभी इकोनॉमी, ये सारी चीज़ों की वजह से, डेटा प्रिपरेशन की वजह से जो इकोनॉमी है वो बहुत ही अच्छे से इंक्रीज हो रही है। ये जो मार्केट में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बिजनेस एनवायरनमेंट है, उसको डिफरेंशिएट करने के लिए और एक पावरफुल एनालिसिस करने के लिए बहुत ही मेजर रोल प्ले कर रहा है। जो ऑर्गेनाइजेशन है वो स्ट्रगल करती है कि जो हमारे पास डेटा है उसको किस तरह से इंसाइट
इंसाइट्स को चेंज किया जाए, मतलब किस तरह से जो इंसाइट्स उनके पास अवेलेबल है उनको यूज़ किया जाए ताकि बिजनेस को ग्रो किया जा सके और मार्केट में उनकी कंडीशन को इम्प्रूव किया जा सके। एनालिटिकल लैंडस्केप्स की बात करें तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है प्रोवाइड करना डेटा डिटेल में, क्योंकि एनालिसिस बहुत ज़्यादा होता है, और एड्रेस करना नीड्स को जो कि रिक्वायर्ड होती है, रिक्वायरमेंट होती है एक स्किल्ड पर्सन की। और इस मॉडर्न अप्रोच को हम क्या कहते हैं, डेटा प्रिपरेशन कहते हैं। इसके बाद आती है डेफिनेशन। बाय डेफिनेशन डेटा प्रिपरेशन, सो डेटा प्रिपरेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग एंड प्रोवाइडिंग डेटा फॉर डेटा डिस्कवरी, डेटा माइनिंग एंड एडवांस एनालिटिक्स। जो डेटा प्रिपरेशन है वो एक प्रोसेस है जो प्रिपेयर करती है और प्रोवाइड करती है डेटा किन किन चीज़ों को, डेटा डिस्कवरी को, डेटा माइनिंग को और एडवांस एनालिटिक्स को। डेटा प्रिपरेशन का गोल होता है कि वो सपोर्ट करे बिजनेस एनालिस्ट को, डेटा साइंटिस्ट को, ताकि वो डिफरेंट टाइप का डेटा के ऊपर एनालिसिस कर सके। जो डेटा प्रिपेयर होता है वो थोड़ा ये डेटा प्रिपेयर होता है बिजनेस डिपार्टमेंट्स में भी, और कई बार इसे डेवलप किया जाता है आईटी डिपार्टमेंट के द्वारा। और जो डेटा प्रिपरेशन है इसे हम सब डोमेन बोलते हैं डेटा इंटीग्रेशन का, जो एग्जीक्यूट होता है डेडिकेटेड टूल्स, ट्रेडिशनल टूल्स के लिए डेटा इंटीग्रेशन के लिए जो यूज़ होता है, डेट इज़ ETL टूल, डेटा विजुलाइजेशन और या फिर डेटा वेयर ऑटोमेशन। इसके बाद जो डेटा डिस्कवरी है उसमें रिक्वायरमेंट होती है स्किल की, जिसमें अंडरस्टैंडिंग की जा सके डेटा रिलेशनशिप की और डेटा मॉडलिंग की, एज वेल एज जो डेटा एनालिसिस है उसको यूज़ किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एडवांस्ड एनालिटिक फंक्शन, जिससे कि जो इंसाइट्स है उनको रिवील किया जा सके। डेटा इंटीग्रेशन एंड डेटा प्रिपरेशन दोनों ही में कैपेबिलिटी होती है जो कि बिजनेस को यूज़र से कनेक्ट कर सके, और जो भी एक्सटर्नल रिसोर्सेस उनको प्रोवाइड किए गए हैं पार्टनर के द्वारा उसको यूज़ कर सके। ये डेटा जैसे जैसे हम डिजिटलाइजेशन के नज़दीक आते जा रहे हैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, यूज़र को फ्लेक्सिबल फंक्शन और प्रॉपर एक्सेस करने के लिए हमें डेटा एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए हमें इंटरेक्टिव और न्यू विजुलाइजेशन टाइप्स की ज़रूरत पड़ती है ताकि जो डिसीजन है वो प्रॉपरली लिया जा सके, इंस्टेंट हो और मेजर ट्रेंड्स को जल्दी से फाइंड आउट कर किया जा सके, और इसी के साथ साथ जो स्पॉट आउटलियर्स हैं उनको भी। जो विजुलाइजेशन है वो हमारे ब्रेन को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से यूज़ करवाती है, हम जल्दी से पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और उसे हम बाद में यूज़ कर सकते हैं जो भी हमारे पास पैटर्न्स आए हैं। इसीलिए ये नीड बढ़ाता है डेटा डिस्कवरी की, जो यूज़र है वो बेहतर तरीके से फाइंड कर सकता है, इंसाइट्स को डिटेक्ट कर सकता है आउटलियर्स को। अगर डेटा चार्ट के फॉर्म में होता है या ग्राफ के फॉर्म में होता है तो उसे ढूंढना, उसके ऊपर काम करना ज़्यादा आसान होता है। जो विजुअल एनालिसिस है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है, और ये डे बाय डे एंटरप्राइज में इंक्रीज होता जा रहा है, क्योंकि इसकी मदद से प्रॉपर डिसीजंस लिए जा सकते हैं जो कि यूज़ होते हैं बाद में एज अ डिसीजन और एज अ इम्प्लीमेंटेशन। इसके बाद आते हैं हम जो गाइडेड एडवांस एनालिटिक्स फंक्शन है वो क्या करते हैं। तो बेसिकली ये प्रोवाइड करते हैं स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन डेटा पे, जिसमें यूज़र एम्प्लॉय कर सकता है जो भी मोर सोफिस्टिकेटेड या फिर पैटर्न ओरिएंटेड डेटा एनालिसिस है। ये एक चैलेंज है जो प्रोवाइड करता है रेडी टू यूज़ स्टैटिस्टिकल फंक्शन को, जो यूज़ होता है बिजनेस यूज़र, और ये डिलीवर करता है प्रॉपर आउटकम्स विदाउट नीड ऑफ एनी राइट कोड। इसमें जो गाइडेंस है यूज़र की वो एक्सपेक्ट करता है जो भी लीडिंग डेटा डिस्कवरी टूल्स हैं उन्हें इनेबल करने, एक्सेस को इनेबल करने का विथ एडवांस्ड फंक्शन। लेकिन इसमें कुछ ऑटोमेटिक सजेशंस भी होते हैं जो सुटेबल होते हैं एल्गोरिथम को, जिसको टैकल करते हैं कुछ बिजनेस प्रॉब्लम्स और इवेल्यूएशन करते हैं आउटकम्स का यूजिंग डिफरेंट एल्गोरिथम। ये एरिया में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है दोनों ही साइड से, लाइक वेंडर और कस्टमर दोनों साइड से रिसेंट ईयर में, और जो रिसर्चर्स हैं मार्केट रिसर्चर्स उन्होंने कन्फर्म कर दिया है इम्पोर्टेंस किसका, डेटा डिस्कवरी का। इसके बाद आते हैं कि जो हमारे डेटा डिस्कवरी के चैलेंजेस क्या हैं। सबसे द मोस्ट कॉमन पिटफॉल्स इन डेटा डिस्कवरी एंड डेटा क्लासिफिकेशन आर फर्स्ट वन इज़ लेक ऑफ अ सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ, सेकेंड इज़ इनकोहेरेंट इंटरप्राइज वाइड डेटा मैनेजमेंट स्टैंडर्ड एंड गवर्नेंस, लैक ऑफ टैक्सोनॉमी एंड मिसिंग डेटा फ्यूजन एंड कोरिलेशन फीचर्स अक्रॉस प्लेटफॉर्म और टूल्स। तो ये चार चैलेंजेस हैं जो डेटा डिस्कवरी अभी
फेस कर रहा है और इस पे इनको काम करना है. सो डेट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. इफ़ यू लाइक डेट वीडियो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. डेट इज़ प्रोफेसर आयुषी अर्चकें.